आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड के वेपर प्रेशर की मेजरमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैनोमेट्रिक मेथड है, जिसके जरिए से हम एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बड़ी आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। मैनोमेट्रिक मेथड दूसरे मेथड्स के मुकाबले में एक ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। मैनोमेट्रिक मेथड को यूज करते हुए किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किन स्टेप से गुजरते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है उसको हम एक राउंड फ्लास्क में रखेंगे जो कि थर्मोस्टेट में मौजूद है। ये राउंड फ्लास्क है, इसमें मौजूद लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना है और इस फ्लास्क को हम एक थर्मोस्टेट के अंदर प्लेस करेंगे। इसके अंदर वाटर मौजूद है। वन एंड ऑफ द टी ट्यूब फ्रॉम द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। फ्लास्क से निकलने वाली टी ट्यूब का एक एंड वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया जाता है, जबकि इसका दूसरा एंड मैनोमीटर के साथ अटैच किया जाता है। मैनोमीटर के जरिए से हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं और यहां पे यू शेप्ड मैनोमीटर यूज किया गया है। फ्लास्क में मौजूद लिक्विड के अंदर और लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद एयर को रिमूव करने के लिए हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं। एयर को रिमूव करना इसलिए जरूरी है कि हम जिस लिक्विड के वेपर प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं अगर उसमें एयर के पार्टिकल्स शामिल हो जाएंगे तो उस लिक्विड का एग्जैक्ट वेपर प्रेशर फाइंड आउट नहीं होगा। तो इसके लिए हम उस लिक्विड को फ्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्रीजिंग मिक्सर। यहाँ पे मौजूद लिक्विड फ्रीज हो जाएगा और उसके ऊपर मौजूद एयर को हम इवैक्यूएट कर लेंगे या वैक्यूम पंप के जरिए से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद एयर को रिमूव कर लिया जाता है। लिक्विड की सरफेस से एयर को रिमूव करने के बाद उस फ्रोजन लिक्विड को मेल्ट किया जाता है ताकि उस फ्रोजन लिक्विड के अंदर मौजूद इंट्रैप्ड एयर, जो एयर उसके अंदर फंसी हुई है, उसको रिमूव किया जा सके। तो हम उसको मेल्ट करेंगे। जब मेल्ट करेंगे तो वो बबल की सूरत में एयर लिक्विड की सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगी। फिर हम उस मिक्सर को फ्रीज करेंगे और वैक्यूम पंप के जरिए से लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद एयर को रिमूव करेंगे। ये प्रोसेस हम 3-4 बार रिपीट करेंगे और लिक्विड की सरफेस के ऊपर और लिक्विड में मौजूद इंट्रैप्ड एयर को रिमूव कर लिया जाएगा। इस तरह अब फ्लास्क के अंदर सिर्फ लिक्विड और उसके कुछ वेपर्स मौजूद होंगे। अब फाइनली इस फ्लास्क को हम एक थर्मोस्टेट के अंदर एडजस्ट करेंगे। थर्मोस्टेट के अंदर हम अपनी मर्जी के साथ किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिस डिजायर्ड टेम्परेचर के ऊपर हम लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं वो टेम्परेचर सेट करेंगे। लेट से फ्लास्क के अंदर अल्कोहल यूज किया जा रहा है और उस वक्त हमने 60 डिग्री सी टेम्परेचर सेट किया है थर्मोस्टेट पे, तो 60 डिग्री सी पे यहां से वेपर्स बनेंगे और वो मैनोमीटर की तरफ मूव करेंगे। यू ट्यूब मैनोमीटर का एक एंड फ्लास्क के साथ अटैच है जबकि दूसरा एंड ओपन है, जहां पे एटमॉस्फेरिक गैसेस एक प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, जिसको मैं पी ए से रिप्रेजेंट करता हूं। यू शेप्ड मैनोमीटर के अंदर मौजूद मरकरी पहले सेम लेवल पे था। जैसे ही लिक्विड के वेपर्स मैनोमीटर की लेफ्ट साइड के ऊपर आकर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड डाउनवर्ड मूव करेगी और दूसरी साइड अपवर्ड मूव करेगी और इस तरफ मरकरी का लेवल राइज कर जाएगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान एक हाइट का डिफरेंस आएगा जिसको हम डेल्टा एच कहते हैं। लिक्विड के वेपर्स का बैरोमीटर के ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर इक्वल होगा पी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। यहां पे पी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेल्टा एच डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द मर्करी लेवल्स। इस तरह हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बड़ी आसानी के साथ मैनोमेट्रिक मेथड को यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं।